बहुत सारे राइटर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं कि पिच बाइबल पर वीडियो बनाइए। पिच बाइबल जो होता है ना, वो एक टीवी सीरियल के लिए या फिर वेब सीरीज के लिए काम आता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो आपके कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर और स्टोरी से मिलकर बना होता है। तो आप उसे कैसे रेडी करेंगे, इस वीडियो में आप पूरा जानिए। और ये वीडियो बनाने की सोची मैंने एक कमेंट के जरिए। कमेंट है स्क्रिप्टेड इन माय वॉइस का। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज वेब सीरीज की पिच बाइबल किस तरह रेडी करते हैं इस पर डिटेल्स वीडियो बनाओ। प्लीज प्लीज सर, एक साल से आपको बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरे लाइव पर भी कमेंट किया था और मैं ऐसे कमेंट बॉक्स पर इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। इनको कुछ ज्यादा ही देर हो गई, फिर भी चलिए मैंने इनके टॉपिक पर वीडियो बनाया। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिच बाइबल को आप किस तरीके से रेडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, पिच बाइबल जो होता है ना, वो मेनली टीवी सीरियल्स, टीवी शोज या फिर वेब सीरीज के लिए बनाया जाता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको किस तरीके से चीजें अटैच करनी है या फिर आप उसे किस तरीके से रेडी करेंगे। अगर आपने कोई फाइल बनाया है तो आप उसे किस तरीके से उसमें लिखेंगे, या फिर अगर आप मान लीजिए कि लैपटॉप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, पिच बाइबल जो है ना, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट का काम करता है टीवी शोज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स के लिए। और इसे देख करके ये जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि हाँ, ये शो को चलाना है नहीं चलाना है, इसे परचेस करना है नहीं परचेस करना है। जो प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब रहते हैं ना, वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये एक तरीके से आप रेडी करते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट है, अपने जो टीवी सीरियल या टीवी शो या फिर वेब सीरीज है, उसके आइडिया को सेल करने के लिए। यानी उसकी जो आपने पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखी है ना, उसे सेल करने के लिए। हालांकि वहां पर स्क्रिप्ट ऐड नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आते हैं पॉइंट नंबर वन पर। देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है ना, आपको अपनी स्टोरी का एक लॉग लाइन लिखना है। लॉग लाइन आप 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। ऐसा लॉग लाइन आपको लिखना है कि लॉग लाइन को पढ़ने के बाद लोगों में एक इंटरेस्ट आ जाए, कोई भी उसे पढ़े तो उसे एक इंटरेस्ट आ जाए कि वो आपकी आगे की स्टोरीज वगैरह है ना, वो पढ़े, उसका सिनॉप्सिस जानने की कोशिश करे, उसका स्क्रिप्ट जानने की कोशिश करे। तो इस तरीके से आपको लॉग लाइन को लिखना है। तो आप अच्छे से दिमाग लगा करके लॉग लाइन को लिखिए। ऐसा नहीं कि 2-3 सेंटेंस है तो आप उसे तुरंत 2 मिनट में लिख लेंगे, वैसा मत कीजिए। दिमाग लगा करके लिखिए कि आप सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करेंगे ना, कि जो लॉग लाइन है वो इंटरेस्टिंग बने। भले आप उसमें समय ले लीजिए, एक दिन का पूरा समय ले लीजिए 2-3 लाइंस लिखने में, लेकिन लॉग लाइन को बहुत ही बढ़िया लिखिए। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आपको एक बढ़िया सा सिनॉप्सिस या फिर कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है। सिनॉप्सिस या कॉन्सेप्ट जो है वो आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके बारे में भी आप जानते होंगे, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर है, आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पता होगा कि सिनॉप्सिस क्या होता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक पेज में आपको कॉन्सेप्ट या फिर सिनॉप्सिस को लिख लेना है और उसे फिर अटैच कर देना है। अब आप उसे डिजिटली अटैच कर रहे हैं या फिर फाइल बना करके पेज को आप अटैच कर दे रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट पर है, आपको कैरेक्टर्स जो रहते हैं ना, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट्स को भी ऐड कर देना है। जो आपके मेन कैरेक्टर्स है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, उनके आप कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट को वहां पर ऐड कर दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं पूरा फिल्म के जैसा बोल रहा हूँ कि फिल्म के लिए बहुत पूरा लंबा चौड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बनाया जाता है, वैसा नहीं आप कीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कैरेक्टर के बारे में जो मेन चीजें हैं, वो सब आप एक कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बना करके वहां ऐड कर दीजिए, जो मेन कैरेक्टर्स है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है दोनों का। याद रखिए, सभी कैरेक्टर्स का नहीं करना है। मान लीजिए कोई 2-4 डायलॉग के लिए आया तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट आप क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आप जो मेन कैरेक्टर्स है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट चार्ट बना करके वहां पर अटैच कर दीजिए। पॉइंट नंबर 4 पर है, आपको पायलट एपिसोड को भी लिख देना है। देखिए, पायलट एपिसोड का मतलब होता है ना, जो शो रहता है या वेब सीरीज या टीवी सीरियल है, उसका फर्स्ट एपिसोड जो रहता है ना, जिसे देख करके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सोचे कि हाँ, ये शो तो बहुत बढ़िया चलने वाली है। तो आपको पायलट एपिसोड को बहुत ही अच्छे से लिखना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि पायलट एपिसोड का पूरा डिटेल में लिखे, पायलट एपिसोड का पूरा स्क्रिप्ट वहां पर दे दीजिए। पायलट एपिसोड का पूरा स्क्रिप्ट लिखे हुए तो क्या होगा, जो पढ़ेंगे ना उसे ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो प्रोड्यूसर्स है, वो उसे पढ़ेंगे ना, तो उनके मन में एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से पूरा स्क्रिप्ट है। और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो ऐसा भी करेंगे कि उसे डेवलप करने का भी काम आप ही को दे देंगे। 5th पॉइंट पर है स्टोरी। आपको अपने शो का स्टोरी जो है वो रेडी कर लेना है। देखिए, स्टोरी जो है वो बहुत लंबा आपको रेडी नहीं करना है, जैसा कि आप जो फिल्में होती है उसके लिए 30-40 पेजेस का रेडी करते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आपको स्टोरी का स्टार्टिंग, मिडिल पॉइंट और फिर एंड पॉइंट लिखना है, और बीच में जो हर्डल्स आएंगी, जो मेन मुसीबतें आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब के बारे में आपको लिखना है। यानी जो मेजर प्लॉट पॉइंट्स है ना, उनके बारे में आपको वहां पर लिख देना है। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, जो कैरेक्टर्स है उनका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी वो क्या कर रहे हैं, किस माहौल में है, उससे आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर आप ये दिखाइए कि जो स्टोरी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पर क्या क्या मुसीबतें आ रही है, जो स्टोरी आगे बढ़ रही है। फिर आप दिखाइए क्लाइमैक्स का समय, यानी कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट, कुछ ऐसा मेन मुसीबत जिससे मेन कैरेक्टर्स जो है ना, वो बिल्कुल एकदम टेंशन में आ जाते हैं, वो एक आप कर दीजिए।
फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसीबतें जो है वो कम होने लगेंगी और फिर फाइनली जो स्टोरी है वो एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टोरी रेडी कर लेना है, वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि लगभग लगभग कितने पेजेज जाएंगे। अगर एक एवरेज मान करके चले तो लगभग लगभग 3 से 4-5 पेज में आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। याद रखिए कि आपको फिल्म के जैसा 30-40 पेज का स्टोरी यहाँ पर नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 6 है, आपको एक पेज में वहां पर यह भी दिखाना है कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। देखिए कोई भी पर्टिकुलर शो रहता है ना, वो किसी तरह की ऑडियंस को टारगेट करता है। जैसे मान लीजिए कि जो टीवी सीरियल्स रहती है वो ज्यादातर किन्हें टारगेट करती है, वो वुमेन को टारगेट करती है। फिर बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे भी है जो बच्चों को टारगेट करते हैं, तो आपको वहां पर लिखना है कि किसे आप टारगेट कर रहे हैं और अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी स्टोरी जो है ना वो उनसे रिलेट कर रही है ताकि वो टारगेट हो जाए। क्योंकि प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको इसमें प्रॉफिट दिखेगा तभी तो वो फिर इसमें अपना हाथ डालेंगे। तो इसीलिए आपको वहां पर दिखाना होगा कि आप किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 पर है कि आप विजुअल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कुछ इमेजेस है या फिर आप कुछ वीडियोस है, अगर आप डिजिटली बना रहे हैं तो वीडियोस है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो पिच बाइबल है उसे स्मार्ट बनाने के लिए। देखिए मान लीजिए कि आपकी स्टोरी का जो थीम है उससे रिलेटेड आप वहां पर इमेजेस डाल दे रहे हैं या फिर आप कुछ विजुअल्स डाल दे रहे हैं, वीडियोस डाल दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना कि जो प्रोड्यूसर है उनका दिमाग और ज्यादा उस पर फोकस होगा। तो डिजिटली अगर आप बना रहे हैं, ज्यादातर तो डिजिटली बनती है, तो अगर आप डिजिटली बना रहे हैं तो उसमें आप एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं, और अगर आप डिजिटली नहीं बना रहे हैं तो फिर आप फोटोज वगैरह वहां पर डाल सकते हैं, इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, जो रिलेटेड इमेजेस रहेंगी आपकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड, आपकी स्टोरी से रिलेटेड, तो आप वहां पर डाल सकते हैं। और अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो भी आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और इस स्टेप को छोड़ करके आप नेक्स्ट वाले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है लेकिन आप कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, आपको 1 पेज का एक पिच जो है वो रेडी कर लेना है, यानी 1 पेज पिच आपको रेडी कर लेना है। पिच जो है ना उसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के अनुसार आप अपने पिच को रेडी कर लीजिएगा। आपके एपिसोड्स का जो आइडियाज रहेगा वहां पर आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं अभी उस पर बताने चलूं तो फिर ये वीडियो तो पूरी 1 घंटे की हो जाएगी। तो एनीवे आपको पिच जो है वो रेडी कर लेना है। अगर आपको ये सभी चीजें रेडी करने नहीं आती है, पिच, कॉन्सेप्ट, सिनॉप्सिस, ये सभी रेडी करने नहीं आती है, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स है स्क्रिप्ट राइटिंग का, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग आपको सिखाई जाती है। इस कोर्स में एक झक्कास ऑफर चल रही है, अगर आप इस कोर्स को 3 मई 2024 तक ज्वाइन करते हैं तो आपको 6000 की ये कोर्स मात्र 4500 रुपए में मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स जो कि राइटर्स के लिए होता है वो कोर्स आपको फ्री मिलेगी और उस कोर्स की प्राइस 2500 है। तो सोचिए 2500 रुपए की जो कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगी, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सीखना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स के बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो कोर्स को सीखने के बाद तो आप आसानी से इन सभी चीजों को रेडी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आपको एक पिच रेडी कर लेना है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 9 एंड द लास्ट पॉइंट पर, आपको अपने एपिसोड्स के आइडियाज को लिखना है। हर एक एपिसोड को, एपिसोड 2 में आपने क्या दिखाया, एपिसोड 3 में आप क्या दिखा रहे हैं, एपिसोड 4 में आप क्या दिखा रहे हैं, तो लगभग लगभग उसका आउटलाइन आपको वहां पर लिख देना होगा। पूरा डिटेल में नहीं लिखना है कि आपने पूरा रामायण कथा लिख दिया है 2 पेज 4 पेज का 10 पेज का, वैसे नहीं लिखना है। आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना है, जैसे एपिसोड 2 में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप लिख दीजिए लगभग लगभग 10-12-20 लाइन के अंदर आप लिख दीजिए उस चीज को कि आप क्या वहां पर दिखाना चाह रहे हैं, एपिसोड 3 में क्या दिखाना चाह रहे हैं, 4 में क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जितने एपिसोड्स है, जितने एपिसोड्स आप बनाना चाह रहे हैं या जितने एपिसोड आप रेडी करना चाह रहे हैं उसके अनुसार आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो वहां पर आप लिख सकते हैं। तो इन 9 पॉइंट्स में आप क्या कर सकते हैं, अपने पिच को रेडी कर सकते हैं। ये 9 स्टेप्स है पिच को रेडी करने के। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि पिच बाइबल जो है वो आप डिजिटली भी बना सकते हैं, यानी आप लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी आप पेन से पेज में लिख रहे हैं तो आप फाइल के रूप में भी उसे बना करके सौंप सकते हैं। तो जैसा है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अगर प्रिंटेड देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय।